سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो दोस्तों हाजिर है एक नीडो के साथ दोस्तों आज की हमारे जो वीडियो है वो नमाज़ के बारे में अक्सर लोग आप लोग देखते होंगे कि नमाज़ की नमाज़ की एक वीडियो होती है और उसमें एक सा जो जो तिलावत की जाती है वहाँ पर हैंड आता है तो वो वीडियो कैसे बनाई जाती है तो एक दोस्त के फरमाइश पर बना रहा हूँ तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आप लोगों लोग या गूगल प्ले स्टोर पर आना है या पर कोई सा भी आप लोगों ने क्या करना है नमाज नमाज फुल ये एंटर कर देना है और आप लोगों ने कोई सा भी नमाज जो हो वो एच डी वर्जन में हो या साफ़ नज़र आ रहा हो तो आप लोगों ने वो डाउनलोड कर दे दिए सॉरी मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो दोस्तों ये रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड करना है जो एप्लीकेशन आपको फिर पसंद आ जाए मैं ये वाला फ़िलहाल कर लेता हूँ इसको ओपन कर लेता हूँ ये वाला इंटरफेरेंस आ जाएगा आप लोगों को थोड़ा वेट करना है सबसे पहले जो ऑप्शन है ना कंप्लीट नमाज आप लोगों ने ये वाला प्रेस कर देना है ये नमाज है मुकम्मल नमाज यहाँ पर मौजूद है आप लोगों ने इसकी स्क्रीन शोट लेनी है फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर सना से शुरू होता है तो मैं क्या करता हूँ यह इसके इसका स्क्रीन शोट ले लेता हूँ यहाँ पर एक स्क्रीन शोट मैंने ले लिया ठीक है दोस्तों अब इसको थोड़ा ऊपर करके इसका दूसरा स्क्रीन ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर आ, नीचे ए प्लस का ऑप्शन आता है तो सही तरह नज़र नहीं आ रहा ये दोस्तों अब क्या करना है ये स्क्रीनशॉट तो मैंने ले लिया इस तरह आप लोगों ने सारे नमाज जो है ये आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट जो है वो लेनी है फिर क्या करना है इसको मिनिमाइज करना है और यहाँ पर आना है लेक्सिस आडियो रिकॉर्डर में شليتو سياسة إلكاري انكرتي. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تيروسو يا تك هم نيتي अब क्या करना है इसको एडिट करना है थोड़ा सा एडिट करने के लिए सिर्फ दो मिनट लगेंगे यहाँ पर आना है इफेक्ट पर आना है नॉर्मलाइज कर देना है बस इतना काम ख़त्म फिर यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन में आना चेंज बिल्कुल नहीं करनी अप्लाई पर क्लिक कर देना यहाँ तक भी काम जो है वो ख़त्म अब क्या करना है रिवर्व पर आना है रिवर्ब ये बहुत अहम है जो इफेक्ट मैंने अप्लाई की है आप लोगों ने भी यही इफेक्ट अप्लाई करनी है अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो क्या करना है पर है है। है। आ, प्ले पर क्लिक कर देना है और जो चेंज करना तो कर प्ले पर क्लिक कर देना है और जो चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों ने चेंज कर देनी है यानी आप लोगों की आवाज़ के मुताबिक मुझे यही मैंने जो सेटिंग की मेरी आवाज़ के साथ ये मैच होती है और ये बेस्ट सेटिंग भी है सिंपल अप्लाई पर क्लिक कर देना है ठीक है काम ख़त्म यहाँ पर सेव पर आना है और यहाँ पर हमने मुकम्मल नमाज किया होगा तो यहाँ पर एन आई एम डबल ए जेड यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना और सेब पर क्लिक कर देना है ये हमारे तिलावत जो है ये सेब हो जाएगी ठीक है दोस्तों अब फिर से मिनिमाइज़ पर आना है और क्या करना है जहाँ पर आपका फाइल सेव हो तो वहाँ से कॉपी करके कि किसी और जगह पर रख देना है जिस तरह से मैं यहाँ म्यूज़िक में होगा आइडल वेड ये नमाज़ है मुकम्मल तो यहाँ से मैं कॉपी करके मूव करके दूसरी जगह पर ले जाता हूँ ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग करनी है जब आप फ्री हो तो एक ही फोल्डर में उसे जमा करना है और फिर धीरे धीरे इसके बाद जब आप जब जब फ्री होगे, हो तो यहाँ पर आप लोगों ने एडिटिंग करनी है तो फिर क्या करना है आप लोगों ने कैन मास्टर में आना है तो दोस्तों कैन मास्टर पर आने के बाद करना क्या है तो दोस्तों गन मास्टर पर आने के बाद क्या करना है यहाँ पर सिक्सटीन नाइन करना है और जो स्क्रीन शूट हमने ली थी वो इसक्रीन शूट यहाँ पर हमने क्या करनी है इनपुट कर देनी है यानी हमारे स्क्रीन शूट यहाँ पर है ये वाले नमाज का मुकम्मल जो तरीका था सबसे पहले क्या करना है हमने इसको मुकम्मल बड़ा कर देना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरह से कर देना है और अब क्या करना है आ, नीचे की तरफ आ, नीचे की तरफ आना है इसको भी इज इस इक्वल टू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको ऊपर की जानब कर देना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ पर इसको प्रेस कर दें और इसको इक्वल टू से हटा कर फिर यहाँ पर कर थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि नीचे वाली वीडियो भी आप लोगों को आसानी से दिखाई दे सके नीचे वाली ऑडियो भी सॉरी पिक्चर अच्छा दोस्तों अब क्या करना है यहाँ पर भी उसी तरह का काम कर दे कर देना है नीचे की तरफ आना है वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ से शुरू होता है यहाँ पर बिस्मिल्लाह से पर ख़त्म हो तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है इसको इस तरह से आ, कर देना है ताकि स्क्रोलिंग जो है वो थोड़ा थोड़ा कर सके अब क्या करना है सबसे पहले हमने ऑडियो को इनपुट कर देना है क्योंकि ऑडियो के मुताबिक ही हमने क्या करना है आ, वो सही करनी है अच्छा दोस्तों यह पर इसको सबसे पहले क्या करना है एडजस्टमेंट पर आना है इसको मुकम्मल ऊपर की तरफ कर दे और इसको बिल्कुल नीचे की तरफ़ कर दे ठीक है दोस्तों लेयर पर आना है और एक बैकग्राउंड जो है वो इनपुट कर देनी है इसको डुप्लिकेट कर देना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर आना है ये लेफ़्ट वाला क्लिक कर देना है और यहाँ जहाँ पर ये लाइन हो या वहाँ पर इसको छोड़ देना है अब यहाँ पर आना है इसको सॉरी यह स्प्लिट स्क्रीन पर आना है राइट right साइड वाला करना है और इसको राइट साइड की तरफ छोड़ देना है ठीक है दोस्तों ये हो गया ये थोड़ा छोटा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है ठीक है दोस्तों ये हमारा काम यह बॉर्डर का जो था वो हो गया इसके साथ आप और भी बॉर्डर इससे बना सकते हैं ठीक है दोस्तों अब क्या करना है हमने इनको लास्ट तक ले जानी है ले जाना है ठीक है दोस्तों अब सबसे पहले हमारा जो काम है ना वो हमने ये करना है कि हमने आ, इसको आडियो के साथ मिलाना है ठीक है दोस्तों किस तरह से यहाँ से प्ले करना है सुबह सबसे पहले क्या करना है हमने यहाँ पर जो है इसको यहाँ से स्प्लिट कर देना है ठीक है दोस्तों स्प्लिट कर देना है यहाँ पर इसको बढ़ा देना है ठीक है दोस्तों आ, यहाँ पर इक्वल टू पर क्लिक कर दें ताकि अलग सा पेज बन जाए ठीक है दोस्तों इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी ताकि तर्जुमा और दोनों साथ नज़र आए ठीक है दोस्तों अब क्या करना है यहाँ पर नीचे की तरफ आना है एंड पर आना है यहाँ पर इसको भी स्प्लिट कर देना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर इसको बढ़ा देना पूरा का पूरा बढ़ा देना है ठीक है दोस्तों अब क्या करना है यहाँ पर भी आना है अलहमद शरीफ जो है वो हमने क्या करनी है यहाँ पर इसको दरमियान में पहले से स्प्लिट कर देना है जुदा कर देना है आ, ताकि वो वह स्क्र का मसला ही ख़त्म हो जाए यहाँ पर इस हमने ये रख दिया अब क्या करना है नीचे की तरफ आना है यहाँ पर इसको नीचे वाले पर प्रेस कर देना है और यहाँ पर इक्वल टू पर क्लिक कर देना है ठीक है दोस्तों ये सिंपल सा हो गया अब इसमें कुछ मसला नहीं होगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर अब जुबिल्ला मैंने रजीम जहाँ पर पढ़ा पड़ेगा तो वहाँ पर हमने क्या करना है इसको और ट्रिम कर देना है क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है ऑडियो को बराबर करना है टाइमलाइन के साथ अउज़ुबिल्लाह आउद। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे निर के यहाँ तक हमने स्प्लिट कर देना है ठीक है दोस्तों यहाँ से इसको मुकम्मल बढ़ा देना है और इसको चेक कर देने की कहा तक ये आया है अब इसको जो है लास्ट तक ले जाना है यहाँ पर इसको डिलीट कर दे मज़ीद यहाँ पर इसको लास्ट तक हो गया ठीक है दोस्तों अब क्या करना है इसको भी लास्ट तक कर दे ताकि बॉर्डर सही से नजर आ सके या दोस्तों यहाँ पर चेक कर देते हैं कना कना बस यहाँ तक ठीक है क्योंकि स्क्रीन शॉट मैंने कम ली है ठीक है दोस्तों अब क्या करना है हमने आ, हमें सिंपल सा एक हैंड जो है वो उसको इनपुट कर देना है यहाँ पर आना है टेक्स पर आना है यहाँ पर जो है हैंड जो है ये वाला हमने इनपुट कर देना है बाज़ात ये जब लेयर ज़्यादा हो जाए तो ये हैंड वाला जो है ये काम नहीं करता आ, तो यहाँ पर भी फिलहाल काम नहीं कर रहा आ, क्योंकि लेयर ज़्यादा हो चुके हैं मैं दूसरा हैंड को जो है वो इनपुट कर देता हूँ तो दोस्तों मैंने ये दूसरा हैंड जो है ये इनपुट कर लिया यहाँ पर क्या करना है इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है ठीक है दोस्तों और अब इसको मूव करना है इस तरह से बिल्कुल सीधे सीधे यहाँ पर सुबह अब इसको लास्ट तक कर दें और अब जहाँ जहाँ पर बिस् अल्लाह पढ़ी जाएगी वाह वाह तक हमने क्या करना है इसको ले जाना है किस तरह से यहाँ से सुबह वह भी हम जहाँ पर होगा वहाँ पर आप लोगों ने स्टॉप कर देना है वह भी दोस्तों जवाब की प्रेस करोगे तो यहाँ पर स्टार्ट में एक पॉइंट बन जाएगा अब क्या करना है इसको आ, यहाँ से यहाँ तक लाना है कीजिए प्रेस करना है तो आप हाथ आ, उस वक्त आप लोगों ने हाथ को मूव करना है ठीक है दोस्तों अब क्या करना है प्ले कर देना है वह वह और जैसे ही पड़ेगा तो आप हैंड पर आना है यह पर अब एक प्लस का निशान आप लोगों ने करना है ठीक है दोस्तों ये पॉइंट बन गया यहाँ पर जो है ये सिक्सट सेकंड पर जो पॉइंट बन गया इससे आप लोगों ने थोड़ा आगे जाना है यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा ठीक है दोस्तों और इस हाथ को यहाँ पर आप लोगों ने वता बारह कस्मों का पर छोड़ देना है इस तरह से वाला इलाह जब पड़ेगा तो आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉप कर देना है उन पहला पॉइंट सिक्स सेकेंड पर था अब जो दूसरा पॉइंट या नीचे लाइन का है वो बारह सेकंड पर है तो आप लोगों ने की को प्रेस कर देना है ये आएगा अब इस हैंड को मूव करना है तो ये माइनस बन जाएगा ठीक है दोस्तों माइनस तब भी आता है कि आप लोगों ने जो पॉइंट किए ना इसको हटाने के लिए ठीक दोस्तो? है दोस्तों ये वाला जब गैरुक पड़ेगा तो आप लोगों ने फिर से कीपर आना है यहाँ पर प्लस का निशान कर देना है और यहाँ पर थोड़ा आगे कर देना है थोड़ा सा आगे और यहाँ पर हैंड को मूव कर देना है ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर मैंने शैतान राजीम यहाँ तक आप लोगों ने कर देना है ठीक है दोस्तों अعوذ بالله من الشيطان الرجيم शैतान तक क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पर इसको लेकर आना है और फिर शैतान शेयता निर, शेयता निर। नि्र के जगह पर आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर आप लोगों ने मार्क कर देना है और थोड़ा सा आगे करके निरजीम वापस ला देना है यहाँ पर इस तरह से बिस्मिल्ला बिस्मिल्लाहिर्रह्मानि अब निर जो है यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है की वाले ऑप्शन को प्रेस करना है ये इसको लास्ट तक लाना है निर रहीम रहीम जो है वो ऊपर की जानब है तो आप लोगों ने यहाँ पर प्लस का को करना है और थोड़ा आगे जाकर यहाँ पर इसको लाना है ठीक है दोस्तों इसी तरह आप लोगों ने लास्ट तक करना है तो दोस्तों मैंने लास्ट तक कर लिया ये हमारे जो वेडो है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार बन चुकी है हाँ अगर आप लोगों को बड़ और भी ज़्यादा पसंद हो तो क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पर डुप्लिकेट कर देना है डुप्लिकेट कर दिया इसी को इसी का कलर जो है आप लोगों ने चेंज कर देना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रीन कर देता हूँ दूसरा कलर तो इस दूसरे कलर का थोड़ा सा इन साइड की तरफ करना है तो ये डबल हो गया इसी तरह ये भी आप लोगों ने डुप्लिकेट कर देना है डुप्लिकेट करने के बाद इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दी और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दे बस ये डबल जो है वो हो गया बॉर्डर ठीक है दोस्तों आ, सिंपल बस यही काम था अब ख़त्म बाकी काम ख़त्म अब क्या करना है अगर इसका तम बनाना है तो इसका क्या करना है यहाँ पर आना है कैप्चर एन एड एज ए क्लिप हो गया अगर इसको मजीद एडजस्टमेंट करनी है थोड़ी वाजह करनी है इसको तो ये आ, आप लोगों ने क्या करना है इसको मुकम्मल थोड़ा सा चेंज करके देखना है ठीक है दोस्तों दोस्तों नीचे लिखा जो है वो ब्लैक एंड वाइट है बिल्कुल लेकिन सेट पर बॉर्डर जो है वो उसकी वजह से क्या हो रहा है थोड़ा कुल कल सामने आ रहा है ठीक है दोस्तों अब क्या करना है यहाँ पर आना कैप्चर एंड से बस थंबनेल सेब हो चुका है और ये क्या करना है इसको यहाँ पर आना है और 720 पर इसको या वन एटी पर इसको सेव कर देना है ठीक है दोस्तों आ, ये सिंपल सा और छोटा सा काम है दोस्तों आ, ये आप किसी भी वीडियो के साथ कर सकते हो यानी कुरान की वेडो हती कि वॉइस ओवर की और भी वीडियो होना तो उस पर भी आप कर सकते हो कुरान की वीडियो में दरअसल वॉइस ओवर के जुमरे में इसलिए आती है ना कि वहाँ पर जो लिखाई होती है वो हम सिर्फ पढ़ते हैं यानी कुरान की तिलावत हम पढ़ते हैं और नीचे जो बैकग्राउंड में कुरान टेक्स्ट आता है तो वो लिखाई जो है वो होती है अब क्या करना है आ, दोस्तों आ, ये तो सेफ हो गई अब इसे सिंपल सा प्ले कर देना है ठीक है दोस्तों और प्ले करने के बाद आप लोगों सिंपल से अप्लाई कर दें और प्ले करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है चेक करना है अगर कोई गलती वगैरह हो तो आप लोगों ने वो ख़त्म करना अगर गलती ना हो तो आप लोगों ने सिंपल सा यूट्यूब पर अपलोड कर देना है तो दोस्तों इसके लिए इतने लेयर इस्तेमाल हुए हैं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सादा सिंपल सी वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके तो दोस्तों अपने खास दुआ में याद रखना आखिर में आप लोगों से जाना चाहूँगा असलम वरमि वह